अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल हमजा चौधरी व्लॉग्स में वेलकम करता हूं। जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स को और फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट्स को यहां पे यूके में एज अ स्टूडेंट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने जब बनानी थी लेकिन मुझे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से मेरे जो फेसबुक है उसके ऊपर मुझे पर्सनल मैसेज किए कि काइंडली आप इस पे वीडियो बनाएं, हाँ, इसके बारे में हमें गाइड करें। हमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप यूके में एज अ जो बैचलर स्टूडेंट हैं या एज अ फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट हैं वो ना आएँ। अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, काफ़ी ज़्यादा उनको मिसगाइड किया जाता है। तो आज मैंने फिर ये सोचा कि चलो बना ही दी जाए ये वीडियो, क्योंकि ये एक जोन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाली मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, और आप इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो क्वेश्चंस, क्वेरीज, उनके भी जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकें और उनको जो एक प्रॉपर एक लेजिट इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि यार जो आजकल जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन चल रही हैं, ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार आपने इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कुछ इनमें सच्चाई होती है, कुछ इसमें सिर्फ डरा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो खुद नए नए आते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स, इसकी वजह से उनके अंदर भी थोड़ी सी इश्यूज़ वगैरह होते हैं। तो लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, भाइयों को यही कहता हूँ कि यार आप अपना होमवर्क मुकम्मल करके आए। होमवर्क मुकम्मल करने का मतलब ये है कि जो जो बेसिक जो है नॉलेज वो आप यूके आने से पहले पाकिस्तान से लेके आए, ताकि जो आपकी जो यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सॉल्व हो जाएं और आप ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हो, अपना आपके माइंड में हो ये बातें, ताकि आपके लिए जो है ना आगे आने वाले वक्त में आसानी हो सके। तो उसमें सबसे पहले जो एक इशू एक जो है आता है बैचलर्स वालों को प्लस फाउंडेशन ईयर वालों को, उसमें ये होता है कि यार आपकी जो क्लासेस होती हैं ना वो तकरीबन 5 डेज पर वीक आपकी क्लासेस होती हैं। तो उसमें जो सा है स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम वर्क करना जो होता है, तो उसके अंदर वही है कि उसको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल सकता एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी जो है क्लासेस होती हैं 2-3 दिन वीक में, कभी किस दिन किसी वीक ना भी हुई, किसी दिन एक वीक भी आ गई, तो इनमें इसके में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बैचलर्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और नंबर टू, उसके बाद जो मेन सबसे बड़ा इशू होता है वो था फीस का, ठीक है। जो फीस होती है ना बैचलर्स प्लस उसकी जो उसकी फाउंडेशन ईयर की, अगर जॉइंट कैस पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, बैचलर्स बहुत कॉस्टली होता है यूके में। तो उसमें ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 या 10 या कह लें आप, मैं एग्जांपल 10,000 पे लेके चलता हूँ, अगर आपकी 10,000 फीस है पर ईयर, तो अगर आप उसके जॉइंट के आ रहे हैं, फाउंडेशन ईयर भी कर रहे हैं, साथ बैचलर्स कर रहे हैं, तो अगर आपका बैचलर 3 साल का है तो आपका 4 साल का ये कोर्स बन गया, उसमें ये है कि आपकी तकरीबन £40,000 आपकी फ़ीस होगी। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, तो अगर आप इसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा फिगर आपको मिल जाएगा। तो उसमें हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं वो काफ़ी जो वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, उनका ये माइंड होता है कि यहाँ पे आके अपनी वो फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और वो अपनी स्टडी को भी साथ लेके चलेंगे। तो ये एक इशू है, इसमें जेन्युइन बात है, ये एक इशू सॉल्व करना, इशू जो सा है फेस करना पड़ता है इन बैचलर्स के आने वाले स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू मास्टर। तो इन सब का आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा, तो ज़्यादा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और उसमें ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो जो उनसे हैं इन स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं। तो यार उसके बाद जो एक जो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर फाउंडेशन ईयर पर, वो सिर्फ फाउंडेशन ईयर का कैश लेके आ जाते हैं। तो फाउंडेशन ईयर आपने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपने बैचलर्स में एडमिशन करने के लिए आपको वो A to Z सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी हैसल से बचने के लिए आप जॉइंट कैश लेके आओ। जॉइंट कैश में ये होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो आपको कैश लेटर जारी करेगी, उसमें ये प्रॉपरली लिखा होगा कि जो ये स्टूडेंट है इसने यहाँ पे आके पहले फाउंडेशन ईयर अपना मुकम्मल करना है और डायरेक्ट ही यहाँ से वो बैचलर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एक दोबारा वो जो आपने प्रोसेस अपना करना है, दोबारा कैश लेना है, दोबारा वीज़ा अप्लाई करने हैं, उन सब चक्रों से आप बच जाते हो,
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ने ये कोशिश करनी है आप ज्वाइंट कैश लेके आओ, उसके बगैर फाउंडेशन ईयर पे कभी भी ना आना, जलालत है, खुआरी है, ठीक है, और आप जलील हो जाओगे, इतना तंग हो जाओगे, यकीन मानो कभी भी सिर्फ फाउंडेशन ईयर पे अकेले ना करने आना, हमेशा उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जो आपको ज्वाइंट कैश देती है, ठीक है, एजेंट के चक्करों में ना आना कि मैं आपको वो करवा दूंगा, वहाँ से ये करवा दूंगा, सब आप सब बाद में फिर जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे तंग होने के लिए, ठीक है, आपने इंतहाई परेशान हो जाना है। तो मैं अपने सब आने वाले जो उसके ऊपर जो फाउंडेशन ईयर पे आना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं यही गाइड करूंगा कि यार ज्वाइंट कैसे लेके आओ। अब नंबर टू, अब जब आप यहाँ पे आ रहे होते हो बैचलर्स के लिए, तो यार आप जो इनिशियल फिनिशियल डिपॉजिट देने के बजाय, मैं अगर आप यहाँ पे आके सरवाइव करना चाहते हो, आप अपने आप को यहाँ पे आके लेके चलना चाहते हो, तो मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि यार आप एटलीस्ट अपने जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो फुली पेड करके आओ यहाँ पे। अगर आप अपने एक साल की फीस फुली पे करके आते हो, तो यार उसमें आपको ये होता है कि जब आपको यहाँ पे समर हॉलीडेज होती हैं तो आप अपना मैनेज कर लेते हो, आप अपने बाकी की फीस तो मैनेज कर लोगे, मतलब बाकी के जो आपके 3 साल 2 साल की फीस जितनी भी होगी वो तो आप मैनेज कर लोगे, तो लेकिन ये है कि आपने पहले फीस अगर आप पहले साल की देके आ रहे हो तब बाद में नहीं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक वो मशवरा दूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो लाजमी यार आप जो है ना अपनी एक साल की फीस जो है वो पे करके आओ, तो बाकी का आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, अगर आप हार्ड वर्किंग हो और जैसे मैं कहता हूँ मेरा तकिया कलाम है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आपकी कमिटमेंट है, आप अपने जो सा है आपके गोल्स जो से हैं वो वाजे हैं, तो यार आप कर सकते हो, आप कर लोगे, आप सारा इंशाल्लाह मैनेज कर लोगे, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है कि काइंडली आप अपना एक साल की फीस का जो है बैचलर्स की वो वहाँ से पे करके आओ, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिसगाइड करेंगे कि यार नहीं कर सकोगे, उन सबको छोड़ दो यार, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सब मैनेज करते हैं, अल्लाह के हुक्म से आप भी कर लोगे, तो बस आपने अपना जो सा है अपना जो एक अपना होमवर्क है वो कंप्लीट करके आना है। अब होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा आपका, होमवर्क ये है कि जब आप यहाँ यूके आओ उससे पहले आप अपने जो यहाँ के हालात हैं आप यूनिवर्सिटी के आपने जो है आप उससे वेल प्रिपेयर्ड होके आओ, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपने स्किल कौन कौन सी सीख के आनी है, तो यार वो भी आपने जो उनसे है ना वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कौन सी स्किल हैं जो आप सीख के आओ जिससे आप जो उनसे ना अपनी फीस वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करोगे, जॉब्स वगैरह के लिए ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हैं, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, आप उससे आपको बहुत 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 ही हेल्प आउट होने वाला है, ठीक है। तो एंड पे मैं अपने जो बैचलर्स और प्लस जो फाउंडेशन ईयर पे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही गाइड करूंगा कि आप आए, इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बस जो अपने जो है एक कमिटमेंट लेके आओ उसके ऊपर हार्ड वर्क करो और एक अपना जो सा है आउट ऑफ द आवर्स जाओ अपनी स्लीपलेस नाइट्स के लिए तैयार होके आओ, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से सब अरेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, तो मुश्किलात हैं इसके अंदर जब आप बैचलर्स में आते हो प्लस साथ उसमें फाउंडेशन में तो आपको मुश्किलात होती हैं एज़ कम्पेयर टू देम, लेकिन जब आप अगर ये देखो ना कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने एफएससी के बाद बैचलर्स पे आ गए हो, ठीक है, आपने यहाँ पे 4 साल गुजारे, आप कोशिश करो कि आप यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लो, जैसे ही आप मास्टर्स में एडमिशन लोगे तो जोन सा है आप कि वहाँ पे अगर शादी हो जाती है आप अपने स्पाउस को यहाँ लेके आओ, आपका स्पाउस को आपको फुल टाइम का काम अलाउ होता है, अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए भी हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आप अगर अपने आपने अपना फ्यूचर सेट करना है, ठीक है, अगर आप अपने अपने फ्यूचर को नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए देख रहे हो तो आप तब आओ, अगर आप ये देख रहे हो कि मैं बैचलर्स पे आके मैंने बस आने वाह आके ये करना है वो करना है तो ये जो उनसे ना शेख चिली वाले काम आपने नहीं करने, लॉन्ग टर्म प्लान लेके आओ बैचलर्स के लिए, आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना है, तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के आओ, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप बैचलर्स फाउंडेशन ईयर पे यहाँ पे आओ, तो वो भी ज्वाइंट कैश लेके, लेकिन अगर आप ये शॉर्ट टर्म का ये देख रहे हो तो उसमें वो चक्कर नहीं है, ठीक है।
तो आप अगर जब आप मास्टर पे अपना यहाँ पे आके मास्टर में एडमिशन ले लोगे बैचलर्स के बाद, तो उसमें आपको ये होगा कि आप अपना बैचलर्स को लेके आओ, अपने डिपेंडेंट को लेके आओ, शादी करो, डिपेंडेंट को लेके आओ और फुल टाइम काम उसको लाओ होगा, आप भी अपना साथ काम करो। इंशाल्लाह ये जो आपके सारे एक्सपेंसेस जो आपने अगर किए भी होंगे वो अभी आपके निकल रहे होंगे, पहले ही आप इंशाल्लाह निकाल चुके होंगे, जो आपके बाकी साल बचे होंगे उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लोगे और वो सारा आपका जो आप एक आपका इंशाल्लाह फ्यूचर है, फ्यूचर आपका सिक्योर होता है। ठीक है, अगर आपने 4 साल ये आपने गुजार लिए, 1-2 साल आप 2 साल छुट्टियां डाल के आपका मास्टर्स का 6 साल गुजर गए, ठीक है, और आपने PSW मास्टर्स के बाद लेना है तो ये आपके हो गए 6-8 साल। ठीक है, तो आपका जो डिपेंडेंट है तो आप बाद में उसको कोई मास्टर करवा दो तो आपके 10 साल पूरे, आपके दोनों की यहाँ पे PR हो जाएगी 10 साल के रूट के ऊपर। तो उसमें आपके जो मास्टर्स के आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी निस्बत जो बैचलर्स वगैरह पे आ रहे हैं तो उनके यहाँ पे सेटलमेंट के चांस 10 ईयर रूट पे ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपने यहाँ पे बैचलर्स करते हो, जब मास्टर्स करते हो, तो आपकी जॉब की स्पॉन्सर्ड जॉब के वैसे ही आपसे आपके जो हैं ऑप्शन वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी यहीं की स्टडी होती है। आप यहाँ पे होते हो तो आपके रास्ते निकल जाते हैं, रास्ते अल्लाह पाक निकालते हैं, ठीक है, आपके रास्ते कुछ ना कुछ निकल आते हैं। तो आपने इस वीडियो के ज़रिए मोटिवेशन लेनी है, आपने डिग्रेड नहीं होना, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, आपने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो बैचलर्स के लिए तो लॉन्ग टर्म का सोच के और शॉर्ट टर्म पे का सोच के मत आना। ठीक है, तो बाकी जो उनसे है, अगर आपकी कोई भी फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह कोई भी आपकी हैं तो आपको मेरे से कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछें, मैं आप जितने भी मेरी पास्ट वीडियोस में चला जाएं आप नहीं कोई कमेंट देखेंगे जिस पे मैंने किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन किया हो और मैंने उसको आंसर ना किया हो। ठीक है, मेरे से मेरे इंस्टा का लिंक भी मैं डाल दूंगा, अगर आपको मेरे से पर्सनल कोई बात पूछनी है तो मैं आपको पर्सनल भी बता दूंगा। ठीक है, मैं अपना जो अपनी इंस्टा की आईडी है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मेरे से वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोशिश यही करो कि कमेंट बॉक्स में पूछो ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए, बाकी भी पढ़ते हैं कमेंट्स। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आए इंशाल्लाह यहाँ पे, आप हार्डवर्क करें, बाकी कर रहे हैं तो आप भी कर लेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ अरेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे अब इस अभी इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और जैसे मैंने आपको कहा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए।